जापान आओ और डोरेमोन नोबिता से ना मिलो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आपका भाई डोरेमोन का जबरा फैन है और वो समोसे जैसी शक्ल के सुनियो का भी जबरा 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 फैन है। तो अपुन आपका भाई निकला है डोरेमोन नोबिता की खोज में, साथ ही साथ अपुन शादी बनाना चाहता है शिजुका से। हालांकि शिजुका मुझे शादी करेगी बोल तो कुछ नहीं, बोलती नहीं। ये देख रहे हो, इस जगह में आप लोगों को नोबिता का घर भी देखने को मिल जाएगा। ओह माय गॉड, हम लोग डोरेमोन की बस में जाएंगे डोरेमोन को देखने। राम राम दोस्तों, तो आज हमारी जर्नी स्टार्ट होती है टोक्यो सिटी से। तो यहाँ पे मेरे दिमाग में काफी सारे सवाल थे, क्या डोरेमोन है? अगर है तो उसके पास एनीवे डोर है, उसके पास बिग लाइट है, उसके पास हेलीकॉप्टर है। तो इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आज मैं निकल गया हूँ टोक्यो सिटी में, और देखते हैं लोगों को डोरेमोन के बारे में क्या कुछ पता लगता है। तो भाई अभी मैं मेट्रो स्टेशन जा रहा हूँ यहाँ से, और आपको एक कमाल चीज दिखाता हूँ। ये बिस्कुट दिख रहे हैं आप लोगों को, ये हैं सिर्फ 75 ग्राम। तो ये बिस्कुट लिए मैंने लाउसन से, और मुझे ये बिस्कुट पड़े 100 रुपये के इतने से। लेकिन मैं बिस्कुट का बहुत तगड़ा फैन हूँ, जबरा फैन हूँ मैं। तो इस तरीके के बिस्कुट देखने को मिलेंगे देखो, और इधर से ये चॉकलेट है, तो स्वाद बड़ा सही आ रहा है। बाकी यहाँ से मेट्रो लेके निकलते हैं। काफ़ी देर टोक्यो सिटी में इधर उधर भटकने के बाद और लोगों से पता करने के बाद मुझे पता लगता है कि नोबिता के नाम का मेट्रो स्टेशन भी है। इस मेट्रो स्टेशन में आप लोगों को एनीवे डोर के थीम पे आप लोगों को यहाँ पे लिफ्ट देखने को मिल जाएगी। हाय रब्बा, मैं डोरेमोन के एनीवे डोर से आया हूँ। डोरेमोन भी देखने को मिल जाएगा, और जो डोरेमोन की ट्रेन है वो भी देखने को मिल जाएगी यहाँ पे। और जैसे आप लोग मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलोगे, आप लोगों को यहाँ पे डोरेमोन की बस भी देखने को मिल जाएगी। अल्लाह, यहाँ तो डोरेमोन नोबिता की बसें भी चलती है रे बाबा। ओह माय गॉड, हम लोग डोरेमोन की बस में जाएंगे डोरेमोन को देखने। तुम चल रहे हो क्या? अरे डोरेमोन की बस रही, और वो रहा नोबिता का ट्रेन स्टेशन। नोबिता के नाम का ट्रेन स्टेशन भी है यहाँ पे। यहाँ पे डोरेमोन से रिलेटेड जो म्यूजियम है वहाँ पे आप लोगों को लेके आया, बहुत ही कमाल की जगह। और जो मेरे पीछे देख रहे हो, ये आपने डोरेमोन में भी देखी होगी। देख रहे हो डोरेमोन में इस तरीके से डोरेमोन, ये लोग नोबिता ये सब यहाँ से वॉक करते थे, और उनके घरों के बीच में से इस तरीके से रिवर जाती थी। तो सेम आप लोगों को यहाँ पे सेम ऐसी फील आएगी। तो सोचो मैं कितनी दूर से यहाँ पे आया हूँ। तो गाइस अभी चलते हैं म्यूजियम, और डोरेमोन से कहते हैं गैजेट निकाल दे, एनीवे डोर निकाल दे, मुझे घर को जाना है रे बाबा। तो देखते हैं भाई कैसा एक्सपीरियंस जाता है म्यूजियम में। है ना, यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये लोग रिकॉर्ड नहीं करने देते। जब हम लोगों को रिकॉर्ड नहीं करने दिया तो क्या मतलब भाई। पर ये है कि यार ये जो जगह है ना, ये टाउन जो बना हुआ है काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पे आप लोगों को नोबिता से रिलेटेड, डोरेमोन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, और देखते हैं म्यूजियम में जाके कैसा क्या एक्सपीरियंस रहता है। ये देख रहे हो, इस जगह में आप लोगों को नोबिता का घर भी देखने को मिल जाएगा। सेम जैसा नोबिता के पास घर था, उसी तरीके से आप लोगों को यहाँ पे घर भी देखने को मिल जाएगा। बाकी जगह देखो भाई कितनी प्यारी है, क्लीन, नीट एंड क्लीन है, बहुत खूबसूरत जगह भाई। गाइस यहाँ पे एक कॉलोनी के बीच में ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मिली है। देखो ये बैंगन उगा रखे, शायद मेरे हिसाब से बैंगन है, और ये कोई सब्जियाँ हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी छोटी सी गार्डनिंग कर रखी है, और इधर की साइड आप लोगों को टमाटर भी देखने को मिल जाएंगे। देखो इधर के टमाटर हैं, और इधर की साइड भी कुछ कुछ है। और ये कोई अंकल है बुजुर्ग से, इन्होंने छोटी सी अपनी शॉप खोल रखी है। देखो हेलो, तो ये इन्होंने तो ये छोटी शॉप खोल रखी है। और ये देखो यहाँ पे मोटे कांदे रखे हुए हैं, ये देखो ये मोटे कांदे, दो कांदे हैं, जो दो कांदे आप लोगों को 100 यान के मिलेंगे, मतलब ये दो कांदे। और यहाँ पे ये दो लहसुन है, वो आप लोगों को 150 यान की मिलेगी। और बाकी यहाँ पे रेट वगैरह लगा रखे इन्होंने। और ये अंकल जो है यहाँ पे कुछ लोकी वोकी भी बेचता है भाई। कांदे देखो कितने बड़े बड़े, और अंकल के पास ये छोटी सी शॉप है यहाँ पे। तो सोचो यार अंकल आज 70-80 साल की एज में है ना, कितना काम कर रहे हैं आप सोचो यार। इसी वजह से है ना यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा फिट रहते हैं। अभी ये देखो ये शलगम है, अभी अंकल शलगम को पैक करेगा और बांधेगा यहाँ पे। और देखो इतनी सी चीज़ में इन्होंने कितना सेल कर रहा है आप सोचो यार। इतनी सी गार्डनिंग है, वहाँ से लेके यहाँ तक की गार्डनिंग है, और यहाँ पे अंकल क्या क्या सेल कर रहा है। तो ये जो लोग है देखो, ये हेडपम्प पर आ, और ये हेडपम्प से अंकल अभी धोएगा यहाँ पे। सही है यार अंकल का, सही है, मतलब बड़ा अच्छा लगा यार यहाँ पे लोग कितने हार्ड वर्किंग है। अभी अंकल है ना, अभी एक एक शलगम को ना बहुत अच्छे तरीके से धोएंगे, तब जाके वो यहाँ पे रखेंगे। तो अभी देखो यार गाइज, यहाँ पे लोग कितने ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। देखो कितनी सी फील्ड है, मतलब मेरे को लगता नहीं कि ये बसुआ, कुछ बसुआ, एक दो बसुआ भी होगी, एक दो बसुआ मतलब ज़्यादा ली है ये। मेरे हिसाब से 1800 स्क्वायर फीट की ज़मीन है,
और उसके अंदर अंकल कमा के खा रहा है। तो मतलब लोगों में लगन मेहनत होनी चाहिए, तब जाके बंदा इजीली कमा सकता है। तो अच्छा लगता है यार यहाँ पे इन लोगों का कल्चर देख के, स्पेशली जापान के लोगों का, तो बहुत बढ़िया लगता है ये चीज़ को देखता हूँ ना जब मैं, कि भाई लोग यहाँ पे बहुत ही डेडिकेटेड अपने काम को लेके और बहुत ही ज़्यादा मेहनती है। तो चलते हैं म्यूज़ियम। दोस्तों अभी मैं आप लोगों को लेके आया हूँ डोरेमोन फ्यूचर डिपार्टमेंट। यहाँ पे डोरेमोन के आप लोग गैजेट्स देखने को मिलेंगे और ये देख रहे हो हमारा प्यारा डोरेमोन यहाँ पे है और इसके अंदर चलते हैं। तो गाइस आप लोग यहाँ पे आओगे ना, आप लोगों को सबसे कमाल चीज़ ये देखो, ये जो उनके तीन पाइप थे जहाँ पे डोरेमोन नोबिता बैठा करते थे और ये प्लेग्राउंड में खेला करते थे, और ये रहा एनिवेडोर। तो ये आप लोगों का एनिवेडोर कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। ये देखो ये डोरेमोन यहाँ से एनिवेडोर बंद कर दिया। ओ मैं हूँ उड़ता डोरेमोन। और यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे डोरेमोन के गुड्डा गुड्डी देखने को मिल जाएंगे। ये है प्यारा डोरेमोन, मैं हूँ उड़ता सा प्यारा सा डोरेमोन। ये देखो डोरेमोन, ओह माय गॉड, यहाँ पे भालू की शक्ल का जियान भी है, पर इसकी शक्ल भालू की शक्ल और ये सुनियो रहा साले की बत्तख जैसी शक्ल। वेयर इज नोबिता, नोबिता इज नॉट हियर, नोबिता वेयर आर यू। तो आप लोग यहाँ पे बहुत सारे गैजेट देखने को मिल जाएंगे भाई। और ये रहा हमारा आलसी नोबिता, ये देखो नोबिता बराबर सो रहा है यहाँ पे। और आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी और यहाँ पे आप लोगों को पूरी कॉमिक देखने को मिल जाएंगी। और ये रही असली कॉमिक, एक्चुअली जो हमारा डोरेमोन कार्टून बना था वो असली कॉमिक बेस था, जो कि 1954 में फर्स्ट कॉमिक बनाई गई थी। तो देख लो भाई, ये आप लोग देख रहे हो ये डोरेमोन की बड़ा करने वाली लाइट भी है। देखो भाई मस्त चीज़ है, देखो यहाँ पे आप लोग, ये डोरेमोन की बड़ा करने वाली लाइट नहीं, आपको याद हो तो नोबिता हमेशा रोता हुआ आता था और होमवर्क मैथ के कैलकुलेशन नहीं होते थे, तो ये आपका मैथ का होमवर्क का कैलकुलेशन कर सकता है भाई साहब, मस्त चीज़ है यार यहाँ पे। और ये रही डोरेमोन की बड़ा करने वाली लाइट, तो जैसे डोरेमोन डोरा केक को बड़ा करता था ना, ये बड़े करने की लाइट है। कमाल की चीज़ है भाई साहब, ये देखो बहुत सारे हैं भाई। आप लोग डोरेमोन का एनीवे डोर लेना चाहते हो तो ये देखो, ये डोरेमोन का एनीवे डोर। काफ़ी सारे गैजेट है भाई यहाँ पे। तो भाई अभी देखो मैं ये भैया को बड़ा कर दूंगा, या हो ही नहीं रही। काम ही नहीं कर रही है भैया, बड़े छोटे हो ही नहीं रहे, जिग 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 काम नहीं कर रही। सही चीज़ है भाई, ये कमाल की चीज़ है ये देखो। तो भाई यहाँ पे आप लोगों को डोरेमोन का एनीवे डोर देखने को मिल जाएगा, आप लोग इस एनीवे डोर से कहीं पे भी जा सकते हो। तो अभी देखते हैं ये बच्चा ट्राई कर रहा है ये एनीवे डोर से, जहां जाना चाहता है वहां जाता है कि नहीं, अभी एनीवे डोर को बोल रहा है। अब खोलेगा भाई साहब, ओ माय गॉड, ये भाई को तो ले गया। भाई मुझे तो कहीं पे भी नहीं लेके गया ये। वैसे बहुत ही कमाल की जगह थी भाई यहाँ पे, मतलब काफी कुछ था इंटरेस्टिंग देखने को। आज हम लोग जा रहे हैं टकाओ का, जो कि यहाँ से लगभग 500 किलोमीटर है। तो हम लोगों को दो ट्रेनें बदलनी पड़ेगी यहाँ से। टोक्यो सिटी में काफ़ी देर भटकने के बाद पता लगता है कि मुझे टकाओ का जाना पड़ेगा, बिकॉज टोक्यो सिटी में आप लोगों को कुछ खास नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे डोरेमोन से रिलेटेड ज़्यादा कुछ खास चीज़ें हैं नहीं, सिर्फ आप लोग यहाँ पे गैजेट्स भाई अभी देखो मैं। तो मुझे लोगों ने बताया कि तुझे टकाओ का जाना पड़ेगा। तो टकाओ का जो है वो फुजियाको, जो कि डोरेमोन का क्रिएटर है, उसका होम टाउन है और डोरेमोन का होम टाउन है। तो वहाँ पे हम लोगों को नोबिता का स्कूल देखने को मिलेगा, नोबिता का होम भी देखने को मिलेगा वहाँ पे, उसके पापा मम्मी दादा दादी सबसे मिलने वाले हैं हम लोग। तो आज हमारी जर्नी स्टार्ट होने वाली है टकाओका के लिए। जा रहे हैं बहुत सारे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए। हम लोग जा रहे हैं डोरेमोन के होम टाउन, जो डोरेमोन के क्रिएटर फुजियाको का भी होम टाउन है। तो हम लोग वहां पे बहुत सारे सवालों का जवाब ढूंढने जा रहे हैं। डोरेमोन में सुनियो का थोबड़ा जो है वो समोसे जैसा क्यों है, जियान हकीकत में मोटा है या नहीं, और जो नोबिता है वो हमेशा रोता रहता है या नहीं। तो बहुत सारे सवाल है मेरे दिमाग में। और क्या डोरेमोन के पॉकेट से बहुत सारे गैजेट्स निकलते हैं? तो हम लोग बहुत सारे सवाल ढूंढने जा रहे हैं और लेके चलता हूँ आप लोगों को टकाको,
तो गाइज ये शिंजुकू की ट्रेन स्टेशन है, यहाँ से हम लोग अपना जीआर पास लेने वाले हैं, बिकॉज हम लोगों ने जीआर पास लिया नहीं है, तो यहाँ से जीआर पास लेके हम लोग डायरेक्टली निकलेंगे टकाओका के लिए। तो गाइज बहुत देर माथापोड़ी के बाद मैंने ये जीआर पास मिला हम लोगों को, एक जीआर पास 50,000 yen का, ये देखो इसके ऊपर प्राइस लिखा हुआ है 50,000 yen, और 50,000 yen इंडिया के अराउंड राइट नाउ 27,000 के आसपास चल रहे, तो हर बार प्राइस अप डाउन होता रहता है, बिकॉज येन का जो प्राइस है कभी अप चले जाता है कभी डाउन चले जाता है, बिकॉज आपको पता होगा येन यूएस डॉलर के कंपेयर में काफी ज्यादा गिर रहा है, तो प्राइस अप डाउन होता रहता है। तो लगभग आपको 28,000 से 27,000 के बीच में पढ़ने वाला है। तो अभी यहाँ से चलते हैं हम लोग टोक्यो स्टेशन, जहाँ से जीआर लाइन है पूरी, जो शिंकेंजी की बुलेट ट्रेन चलती है वो वहीं से चलती है, तो हम लोग सीधा यहाँ से टोक्यो के ट्रेन स्टेशन जाएंगे और फिर वहाँ से हमारी डायरेक्ट ट्रेन है टकाओका के लिए, जो 3.5 घंटे लेने वाली है, तो हम लोग लगभग शाम को 9:30 बजे के आसपास पहुंचे। वैसे आप लोग देख रहे हो यहाँ पे बुलेट ट्रेन का जो डिज़ाइन है ना वो काफ़ी डिफरेंट आप लोग को देखने को मिलेगा। अभी ट्रेन यहाँ पे रुकी है, तो जो यहाँ पे सफाई कर्मचारी है वो जो अंदर काम करते हैं वो आपको यहाँ पे पूरा कचरा निकाल के साइड में डाल देंगे, देखो यहाँ से ये देखो। और हर बुलेट ट्रेन के अंदर इन्होंने इस तरीके की लेयर डाल रखी है, मे भी मुझे ऐसा लगता है कि इससे थोड़ी सी स्पीड बढ़ जाती है। तो भाई फाइनली हम लोग टोक्यो से निकल गए हैं और भागम भाग में अपने ट्रेन पकड़ी है, सिर्फ 2 मिनट बची थी तब जाके हम लोग ट्रेन स्टेशन पे पहुंचे थे। और इस ट्रेन में हम लोगों ने, ये जो बुलेट ट्रेन है इसको हम लोग पहली बार एक्सपीरियंस करने वाले हैं, तो ये थोड़ी सी शिंकेंजी की अदर ट्रेन बुलेट ट्रेनों से थोड़ी सी अलग है, थोड़ा सा आप लोग दिखा देता हूँ। और यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट अलग से मिल जाएगा और इधर की साइड भी चार्जिंग पोर्ट अलग से मिल जाएगा, बाकी आप लोगों की जो सीट है वो इंक्लाइन आप लोग इजीली कर सकते हो। और बाहर का नज़ारा कुछ इस तरीके से है, इंजॉय द व्यू। फाइनली हम टकाको का पहुंच गए हैं, यहाँ से हम लोगों को जो टकाको का मेन टाउन है वहाँ के लिए अलग से ट्रेन पकड़नी पड़ेगी। और आप लोग देखो भाई यहाँ के ट्रेन स्टेशन कितने नीट एंड क्लीन है, ये देखो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। और ये हमारी ट्रेन थी जिससे हम लोग अभी आए थे, और ट्रेन स्टेशन देखो भाई इतना नीट एंड क्लीन ट्रेन स्टेशन आपने कहीं नहीं देखा होगा। बाकी बाहर का नज़ारा कुछ ऐसे है, बाहर निकलेंगे जब देखते हैं। तो अभी निकलते हैं यार यहाँ से, और सबसे बेस्ट चीज़ मुझे जापान में जो लगती है भाई वो डिसिप्लिन है। ये देखो कितना लाइन में लगे हुए हैं लोग, और ये चीज़ मुझे सबसे बेस्ट लगती है जापान के अंदर, क्योंकि अगर आपको डिसिप्लिन सीखना है ना तो आप जापान आ जाओ भाई, जापान के लोग आपको रियल डिसिप्लिन सिखाएंगे, बिकॉज इनको बचपन से सिखाया जाता है कि आपको इस तरीके से रहना है। दुनिया की सबसे बड़ी टोपी ये तो देख के मैं हैरान हो गया, और मैं आपको दिखाता हूँ, आपने ये कार्टून कभी देखा होगा ज़िंदगी में, एक बार तो देखा होगा, ये इस भाई साहब की टोपी है, तो देख लो भाई इस भाई साहब की टोपी कितनी बड़ी है, मतलब ऑलमोस्ट दीवार छूने को तैयार है, मेरा तो सिर इसमें आ भी नहीं रहा, मैं दिखा इसमें मेरा सिर मेरे जैसे 10-15 लोगों का सिर आ जाए, तो भाई साहब की टोपी काफ़ी बड़ी। और सबसे बढ़िया चीज़ इसके अंदर क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ, इसकी टोपी के ऊपर आप लोग ये निशान देख रहे हो ना, इसका भी कोई अलग मीनिंग है, और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो द ग्रेट कबूटा हेलमेट ऑफ टकाओका, द ग्रेट कबूटो हेलमेट ऑफ टकाओका, ये आप लोग स्टोरी पढ़ लो भाई, इनके बारे में जानते होंगे, और ये उनका हेलमेट है। और ये ट्रेन स्टेशन है, यहाँ से हम लोग जाएंगे अब टकाओका जो रेलवे स्टेशन है, हम लोग पीछे उतरे हैं तो ये जोहान लाइन जाएगी, तो आप लोग निकलते हैं यहाँ से और अपनी ट्रेन पकड़ते हैं। बाकी भाई साहब बहुत नीट एंड क्लीन है ट्रेन स्टेशन ये, फाइनली मैं आप लोगों को लेके आ गया हूँ डोरेमोन के होम टाउन में। तो यहाँ से हम लोग दूसरी ट्रेन पकड़ेंगे और डायरेक्टली निकलेंगे
टकाओ का मेन जो टाउन है फुजियाको का जो मेन होम टाउन है वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं और देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। मतलब एक अच्छा लगता है ना जब बचपन से आप किसी को देखते आ रहे हो और जब आप उसके होम टाउन में पहुँचो और उसके बारे में जानो तो एक अलग ही फील आती है। तो देखते हैं। तो भाई ये जो टाउन है ना कुछ इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा और ये JR ट्रेन स्टेशन है। आप लोगों को JR ट्रेन स्टेशन टोटली सेपरेट देखने को मिल जाएंगे। तो भाई यहाँ पे स्कूटरी भी चलती है, अदरवाइज ये ना पूरे जापान में भाई कहीं भी चले जाओ आप लोगों को इस तरीके की बाइकें देखने को मिल जाएंगी। पूरी बाइक ही बाईसाइकिल ही बाईसाइकिल लोग चलाते हैं बिकॉज हेल्दी रहना चाहते हैं। और ये जोहाना लाइन हम लोगों को पकड़नी है यहाँ से जो कि टकाको जाएगी। कैलाश आजा। इस कैलाश के पता नहीं क्या हो गया, मुझे लगता है इसका माइक काम नहीं कर रहा है। भाई ये ट्रेन स्टेशन देखो कितना सा, बहुत छोटा सा और क्यूट सा ट्रेन स्टेशन है। और ये नहीं पता यहाँ पर टिकट वगैरह कैसे बाय करनी है, तो टिकट लेके भी दिखाएंगे पर टिकट की क्या ज़रूरत है, अपने पास JR पास है तो हम लोग उससे अपना टिकट करेंगे। तो देख लो ये लोग अपने, अच्छा वो मेरे पीछे आप लोग देख रहे हो ना वो मेन सिटी है टकाको का मेन सिटी, और ये लाइन है वो देखो। मैं यो भाई साहब इनका कैमरा कितना HD है, मैं यहाँ पे बिल्कुल अपने आप को HD देख पा रहा हूँ, बिल्कुल HD भाई साहब, बहुत सही लग रहा है। ओ माय गॉड इतना अच्छा देख पा रहा है। अरे तू देख तो सही, तू कैमरा लगा वहाँ पे, घूमता इंसान अपने आप को कैमरे में देख देख के खुश हो रहा है भाई। अबे तू देख ना इतना HD कैमरा तेरा आईफोन का नहीं है यार। तो भाई हम लोग इस ट्रेन में बैठे, बहुत ही कमाल की ट्रेन है ये। टीटी का डब्बा लगा हुआ है, यहाँ पे आप लोग टिकट डाल सकते हो, अगर टिकट नहीं है तो आपके पास पैसे डाल सकते हो। तो ये नॉर्मल है, मतलब ये कह सकते हो कि जो यहाँ की लोकल ट्रेनें हैं ना कुछ इस तरीके से रहती है। और ये टीटी भाई साहब, ये ड्राइवर भाई साहब है जो ड्राइवर चला रहे हैं, गाड़ी चला रहा है भाई साहब, वो देखो गियर लगाएगा अभी। सही है, जगह अच्छी है, काफ़ी प्यारी है। बाकी ये लोकल ट्रेन कुछ इस तरीके से दिखती है और ये कुछ लोकल स्टूडेंट्स हैं। तो गाइस आप लोग देख लो भाई, ये नॉर्मल टकाओका का जो ट्रेन स्टेशन है वो है, और यहाँ से हम लोग अपने होटल या हॉस्टल जाएंगे। अभी हमने बुक नहीं किया तो आप लोगों को मैं बताऊंगा कि भाई कहाँ जाना है। बाकी ये देख लो, ये यहाँ की नॉर्मल ट्रेन थी। और आप लोगों को मैं बताया था कि जापान में आप लोग आओगे तो आपको वेंडिंग मशीन हर जगह देखने को मिलेगी, तो ये नॉर्मल सी ट्रेन है। हम लोग टकाओका सिटी में आ गए हैं। और तो गाइस ये जो सिटी है ना आप लोग देख लो कुछ इस तरीके से दिखती है। आप लोग जैसे ही स्टेशन से बाहर निकलोगे ना आप लोगों को ये कुछ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखने को मिल जाएगी, और जैसे ही आप लोग एंट्री लोगे तो सबसे बेस्ट चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी वो है ये डोरेमोन भाई साहब। डोरेमोन आते आते ही आप लोगों को यहाँ पे डोरेमोन देखने को मिल जाएगा, और दैट मीन्स हम लोग परफेक्ट करेक्ट जगह में है। तो अभी यहाँ से चलते हैं, और अभी यहाँ से हम लोगों ने एक हॉस्टल देखा जो कि अराउंड 500 मीटर के आसपास है, तो हम लोग वहाँ जाते हैं और दिखाता हूँ कि भाई यहाँ की सिटी कैसी है। वो तो आपको कल ही दिखाने को मिलेगी, आज तो लेट हो गए, ऑलरेडी 8 बज गए वैसे भी। और यहाँ से निकलते हैं फटाफट से और खाना वाना खाएंगे और इस वीडियो को एंड करेंगे, बिकॉज ज़्यादा कुछ खास था नहीं इस वीडियो के अंदर, हमारी जर्नी थी आज की। और कल आप लोगों को डोरेमोन से मिलवाएंगे, यहाँ पे कोशिश करेंगे रियल नोबिता को ढूंढने की। तो गाइस आप लोगों को इस कंट्री में ना ट्राम भी देखने को मिल जाएगी, पहली ऐसी जैपनीज सिटी है जहां पे आप लोगों को ट्राम देखने को मिलेगी सिंस 1952। तो ये चीज काफी अच्छी लगी यार, यहां पे आप लोगों को ट्राम भी देखने को मिलेगी। और ये सिटी देख लो भाई कुछ इस तरीके से दिखती है नाइट में, बहुत ही खूबसूरत सिटी दिख रही है। और ऐसा बोलते हैं कि ये सिटी ज़्यादा बड़ी नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर के अंदर ये सिटी ख़त्म हो जाती है। और सबसे कमाल की चीज़ आप लोगों को एक और दिखाता हूँ जो मुझे यहाँ पे यूनिक देखने को मिली। ये कुछ मे बी इन्होंने जगह बना रखी है, पार्किंग स्लॉट बना रखी है, तो यहाँ पे टैक्सी वगैरह खड़ी रहती है। एक टैक्सी खड़ी थी यहाँ पे, वो टैक्सी चलेगी और यहाँ पे जो बुजुर्ग लोग रहते हैं वो बैठे रहते हैं और यहाँ से वो लोग जाते हैं। ये देखो ये यहाँ पे बैठेंगे, अब यहाँ से टैक्सी आएगी, अभी मैं दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे टैक्सी वगैरह लगे हुए बुजुर्ग लोग। ओके ओके, तो ये अंकल मना कर रहा है। तो ये जापान में पहली ऐसी सिटी है जहाँ पे मैंने ऐसी चीज़ देखी है, ये मेरे लिए काफ़ी यूनिक थी। बिकॉज अगर हम लोग टोक्यो में भी गए थे, माउंट फूजी में भी गए थे, तो उन जगहों पर मुझे ये चीज़ देखने को नहीं मिली, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ काफ़ी यूनिक है। तो गाइस देख लो यार, जापान के स्कूल कुछ इस तरीके से दिखते थे। अब तक तो हमने जापान के स्कूल सिर्फ डोरेमोन में देखे थे, और आज यहाँ पे मैं रियल लाइफ में स्कूल देख रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यार। यहाँ पे लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे लोग हैं, और बच्चे हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती, थोड़ा सा प्रॉब्लम है उनका, लेकिन आप लोग देख लो भाई यहाँ पे ये स्कूल है,
तो अब तक जो मैंने